नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बिना प्याज लहसुन के एक बहुत ही टेस्टी आलू गोभी की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से बना के जरूर देखिएगा, खाने में आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, और आज के लाइक का गोल लगते हैं 500। तो आज के रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे एक फूल गोभी। गोभी को इस तरीके से हम बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। गोभी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो। दो आलू को पील करने के बाद हम ऐसे थोड़ा सा बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। चाहे तो आप आलू यहाँ पे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। एक कटोरी में हम ले लेंगे एक चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे हम, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे जीरा पाउडर, और डालेंगे थोड़ा सा पानी। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को मैंने मिक्स कर लिया है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में ले लेंगे थोड़ा सा पानी। पानी जैसे ही हमारा गर्म हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पे आलू। 4 से 5 मिनट के लिए आलू को हम बॉईल करेंगे। तो डालेंगे हम यहाँ पे एक चम्मच नमक। गैस का फ्लेम हम मीडियम करके आलू को ढक के बॉईल करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद आलू को हम निकाल लेंगे एक टोकरी में, और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, और इसी पानी में हम डाल देंगे फूल गोभी। ढक के हम रखेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, फिर हम गोभी को छान लेंगे। तो पैन को कवर कर देंगे 3-4 मिनट के लिए। 2-3 मिनट बाद हम गोभी को भी छान लेंगे एक टोकरी में। अब हम पैन में ले लेंगे तेल, और तेल को हम पहले गरम कर लेंगे। तेल जैसे ही गरम हो जाए हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करेंगे। डालेंगे 2 पिंच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 पिंच हम डालेंगे यहाँ पे हल्दी, और डाल देंगे हम यहाँ पे पहले फूल गोभी। गैस का फ्लेम हम मीडियम करके गोभी को फ्राई करेंगे 3-4 मिनट के लिए, जब तक गोभी का कलर हल्का चेंज ना हो जाए। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने गोभी को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हो गोभी का कलर अच्छे से चेंज हो गया है। हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम इसी तेल में डाल देंगे बॉईल किए हुए आलू। आलू को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे आलू ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो देखिए मैंने 2 से 3 मिनट के लिए आलू को भी फ्राई कर लिया है। आलू का कलर भी चेंज हो गया है। निकाल लेंगे हम, और कढ़ाई में हम ले लेंगे एक चम्मच तेल। तेल गर्म हो जाने के बाद हम डालेंगे एक टुकड़ा दालचीनी के। एक तेजपत्ते को छोटे छोटे टुकड़ा करके डाल देंगे। डालेंगे हम यहाँ पे 2 लौंग और 2 छोटी इलायची। साथ ही हम डालेंगे एक चम्मच साबुत जीरा, और सभी चीज़ों को हम पहले फ्राई कर लेंगे। जीरा जैसे ही फ्राई हो जाए हम डालेंगे आधा चम्मच यहाँ पे हींग। डाल देंगे एक चम्मच अदरक को ग्रेट करके। गैस का फ्लेम लो करके हम फ्राई कर लेंगे कुछ देर के लिए। अदरक जैसे ही हमारा फ्राई हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पे जो हमने मसाले मिक्स करके रखे थे। थोड़ा सा हम कटोरी में पानी डाल के डाल देंगे मसाले में, और मसाले को 1-1.5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। मसाला डाल के मैंने 1 मिनट भून लिया है। अब हम
डाल देंगे यहाँ पे एक बड़े साइज के टमाटर को ग्रेट करके, साथ ही हम नमक डाल देंगे स्वादानुसार, और मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक मसाले के साइड से तेल अलग ना दिखने लगे। फ्रेंड्स, एक बार आप मेरे तरीके से ये आलू गोभी बना के ज़रूर देखिएगा। रोटी, पराठे, चावल, पूरी किसी के साथ भी खाएंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। टमाटर डालने के बाद मैंने 3 से 4 मिनट के लिए मसाले को भून लिया है। अब देख सकते हो मसाले अच्छे से हमारा भून चुका है, साइड से तेल अलग दिख रहे हैं। अब हम डाल देंगे यहाँ पे फ्राई किए हुए आलू और गोभी। आलू गोभी डालने के बाद मसाले के साथ हम मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे करेंगे और ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तब तक आलू गोभी हमारा मसाले के साथ अच्छे से भून भी जाएगा। फिर हम डालेंगे यहाँ पे पानी। तो सिर्फ 2-3 मिनट के लिए हम पैन को कवर कर देते हैं। 2 मिनट बाद हम डालेंगे यहाँ पे पानी। पहले एक बार हम मिक्स कर लेंगे। पानी हम डालेंगे 1 कप। पहले हम ग्रेवी में एक बॉयल आने देंगे, फिर हम पैन को कवर करके सब्जी को ढक के पकाएंगे 6 से 7 मिनट के लिए, जब तक आलू और गोभी हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। डालेंगे हम यहाँ पे 1/2 चम्मच गरम मसाला। जैसे ही ग्रेवी में बॉयल आ जाए पैन को कवर कर देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। 6-7 मिनट बाद हमारा आलू गोभी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। हम डालेंगे ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया। एक बार मिक्स करके हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। सब्जी को मैं पूरी तरीके से ड्राई नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो 2 मिनट अपने हिसाब से सब्जी को और ड्राई कर लीजिएगा। तो धनिया पत्ते डाल के मिला लिया है, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो सब्जी हमारा बनके तैयार है। सब्जी को हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। और ये आलू गोभी आपको देख के जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, लेकिन मानिए खाने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो सब्जी को हम सर्व कर लेंगे प्लेट में। तो फ्रेंड्स, ये टेस्टी आलू गोभी की रेसिपी को एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, और अच्छा लगे रेसिपी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।